हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 22 जनवरी और तो आज हम लोग रामलला अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और उसकी खुशियां हम पूरे भारत में मना रहे हैं। तो आज हमारे भी कॉलोनी में हम लोग टेम्पल में खूब धूमधाम से ये पूजा आयोजित किए हैं। तो चलिए, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे ऑलरेडी चले गए हैं, तो चलिए मैं भी चलती हूँ और पूजा में शामिल होते हैं। मैं पूजा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन हाँ, दूर से बैठ के मैं पूजा जरूर देखूंगी। सो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। यहाँ मेरे साथ जा रहे हैं श्रेयांश। ये लोग पहले जा चुके थे लेकिन फिर बार बार आना जाना कि मम्मा चलिए, सारे लोग टेम्पल में आ गए हैं। और ये हमारा सज गया है कॉलोनी का मंदिर। और बस सारे लोग यहाँ पे केसरिया और पीले रंग के ड्रेसेस पहन के सारे लोग आ गए हैं। और यहाँ पे सारे लोग मंदिर में, मतलब मंदिर में चले गए हैं। हम लोग बाहर से ही मंदिर का पूजा देखेंगे। मतलब बहुत बुरा लग रहा था, मतलब एक दिन पहले कि मैं पूजा में नहीं शामिल हो सकती हूँ। और इन सब टाइम पे जो प्रॉब्लम हमें होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि ये सारे मोमेंट हमें हमेशा मिलते नहीं हैं। और ये स्पेशली जो दिन था बहुत ही खास दिन था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस क्या है, फिर भी हम लोग पूजा में शामिल हो रहे हैं थोड़ा दूर से ही सही। और सारे कॉलोनी के लोग आ गए हैं और यहाँ पे अब बस पूजा शुरू ही होने वाला है। यहाँ पे मैं हूँ और दो तीन भाभी लोग और हैं मेरे साथ, मतलब मेरे साथ में दो तीन लोग और आ गए थे। तो थोड़ा सा लग रहा था कि चलो भाई, कोई तो हमारे साथ है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, फिर बाहर भी चेयर लगा हुआ था अंकल आंटी लोग के लिए। सो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी अंदर से थी ना कि हम लोग क्या बताएं। जो राम जी का मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा था और उसके लिए पूरा देश, पूरी देश ही, मतलब इस तरीके से देश की पूरी मंदिर ऐसे सजी हुई थी, पूरा देश खुशियाँ मना रहा था। सो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वीडियो ना मैं थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, सो डोंट माइंड। और बहुत सारा, बहुत 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 सारा मेरे इस वीडियो को आप लोग प्यार दीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे श्रेयांश बाबू जो हैं वीडियो बना रहे, मैंने उन्हें मोबाइल दे रखा है तो बस थोड़ा सा सेक हो जाता है बच्चों के साथ, मतलब फ़ोन दे दो तो वीडियोज़ यहाँ पे। अभी चलिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा हनुमान और राम जी का पूजा। तो यहाँ से शुरू होगा सुंदरकांड और अभी हम लोग बैठ के सुंदरकांड का पाठ सुनेंगे। और पीछे कुछ अंकल लोग बैठे हुए, पाठ वगैरह ख़त्म हो गया, फाइनली आ गया है आरती का टाइम। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं और आरती करेंगे, थोड़ी देर भजन होगा और उसके बाद फिर सारे बच्चों को हम लोग प्रसाद देंगे। मतलब सभी हम सब प्रसाद लेंगे, जो कि महाप्रसाद हम लोग पहले से प्लान करके रखे थे कि इस तरीके से करना था। और ये क्यूट सी बच्ची, बस म्यूजिक बजता है कि उसके बाद ये डांसिंग डॉल स्टार्ट हो जाती है डांस करने के लिए। और यहाँ पे हमारे राम जी हैं। तो चलिए, पूजा हो जाती है, फिर बच्चों को हम लोग प्रसाद खिलाएंगे। तो यहाँ देखिए, फाइनली प्रसाद का टाइमिंग आ गया है। और यहाँ पहले हम लोग बच्चों को खिला रहे हैं और उसके बाद फिर सारे बड़े लोग को भी हम लोग खिलाएंगे, क्योंकि बाकी लोग को ना ऑफिस भी जाने, क्योंकि हाफ डे गवर्नमेंट ने सबको छुट्टी दे रखा था तो सारे लोग फ्री थे। लेकिन प्रसाद के बाद सभी अपने अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे। और मैं भी यहाँ पर अपना प्रसाद ले रही हूँ, हो गया। और अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी बहन को पिक करने के लिए स्टेशन, फिर मैं चेंज करूंगी और उसके बाद निकलूंगी। आउच, नीना भीगे भीगे जाए, राम आएंगे। और अभी यहाँ पे निकल गई हूँ मैं बहन को लाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, बच्चे जा रहे हैं अपनी मासी को रिसीव करने के लिए और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपने मासी से मिलने के लिए, जो इतने दिन से वेट कर रहे थे, मम्मा मासी कब आएंगी, किस दिन आएंगी, किस दिन आएंगी। तो फाइनली आज बच्चों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो ये नया स्टेशन है बैंगलोर का, तो वहाँ पे बस हम लोग आ गए हैं, बट अभी ट्रेन नहीं आई है तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मैं बच्चों के साथ आई थी क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं, तो ऑब्वियसली हमें आके रिसीव करना था। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 45 मिनट वेट किया था, उसके बाद इसकी ट्रेन आई और यहाँ फाइनली बच्चे मासी से मिल लिए। तो बस इनकी खुशी देख लो, चेहरे पे दिख रही है। चलो मैं भी यहाँ पे मिल ली अपनी बहन से और बस यहाँ पे मिलते ही हमारा नोकझोंक स्टार्ट हो जाता है। इन सब दोनों बहनों का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो चलो भाई, अब यहाँ से लेके चलते हैं और लकी बहुत ज़्यादा था इसका, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं घर पे। और आज शाम में दीप वगैरह भी जलाना है तो वो सब भी होगा।
तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे लाइए मासी मुझे बैग दीजिए मैं बैग लेके चलता हूँ, तो सुबह बोलती हूँ मुझे बैग दीजिए मैं बैग लेके चलती हूँ। फिर घर आए हम लोग और रोशनी नहाई धोई और यहाँ पे वो टेम्पल में दीप जला रही है क्योंकि मुझे नहीं जलाना है, तो मैंने उसी को ही बोला। और जो मैं प्रसाद वगैरह ला के रखी थी टेम्पल से तो वो खा ली है, मैं वो सारी वीडियोज शूट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल चार्ज नहीं था, मैं चार्ज में डाल दी थी, इस वजह से वो सारी क्लिप में शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे बच्ची मतलब शिवांगी अपनी मासी के साथ बैठ के टेम्पल में पूजा कर रही है, दीपो लोग जलाने। अभी मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से, यहाँ पे मैं बनाऊंगी डिनर। तो डिनर में आज मैं झटपट बनाऊंगी, तो दिन के टाइम में वही चावल वगैरह नहीं बनाई थी तो मैं चावल बनाऊंगी प्लस उसके साथ छोला बनाऊंगी। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे एंड देन बाकी का जो मेरा काम है वो सब मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं ना एक साइड चाय रखी हूँ, फिर उसके साथ ही साथ मैं छोले बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। तो इसमें मैं छोला बॉईल कर रही हूँ, एक साइड चाय बन रहा है और रोशनी और शिवांगी ये लोग बैठ के यहाँ पे दीप जला रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आज के दिन दिवाली मनने वाला था तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सका था मैंने दीप मतलब उन लोगों ने जलाया था, मैं तो ढंग से कुछ कर नहीं पाई थी खुद से, तो मैंने इन लोगों को ही बोला कि भाई आप लोग कर लो। और यहाँ पर शिवांगी का मतलब रोशनी का लगेज वगैरह रखा हुआ है, यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो गई है। तो अब मैं चाय छानूंगी और फिर रोशनी को चाय दूंगी और मैं भी चाय दूंगी। बन रहा है चाय, दीपक जल गया है, बहन का नहीं हुआ, थोड़ा सा वही घर पे मैं बात करने लगी थी तभी एक साइड में काबली चना यानी काबली छोला बॉयल करने के लिए रखी हूँ, दूसरी साइड चाय बना रही हूँ, बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, दीप भी जल गया, मुझे नहीं जला रहा था, बहन ने जला दिया। तो चलिए चाय पीती है और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे छोला हमारा रेडी हो गया, इसके साथ मैं बनाऊंगी राइस और इसी के साथ हो जाएगा हमारा डिनर आज का रेडी, छोला एंड राइस, क्योंकि मेरी बहन को आज सिंपल सा राइस खाना था, सिंपल सा खाना। अभी हो गया डिनर टाइम, बच्चे चले गए सोने के लिए, मतलब टीवी अभी मैं बंद करवाई हूँ, दोनों मासी और बच्चे मिलकर टीवी देख रहे थे जो कि मैं आदत छुड़ा चुकी हूँ। और यहाँ हमारा डिनर छोले और राइस, सो चलिए खा लेते हैं और फिर करते हैं वीडियो का एंड। सो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।